तो आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे उत्तराखंड के क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से मित्रों आपके क्वेश्चन आएंगे उत्तराखंड के बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर मित्रों हम लोग बहुकल्पी शुरुआत करेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बहुकल्पी का क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो मित्रों अगर बात करें उनके में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है, तो आप देख पा रहे हैं कुल चार ऑप्शन है, जैसे कॉपर है, लोहा है, जस्ता है, सोडियम है। सोडियम मित्रों ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर ही जल से अभिक्रिया कर लेती है, राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो मित्रों उभयधर्मी ऑक्साइड है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुल चार ऑक्साइड है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है, बेरियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का। तो इसमें से मित्रों जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है वो उभयधर्मी ऑक्साइड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मित्रों फुफ्फुस सिरा खुलता है, तो मित्रों अगर फुफ्फुस सिरे की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कुल चार ऑप्शन है, तो जो फुफ्फुस सिरा है मित्रों वो बाएं अलिंद में खुलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपके उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। तो मित्रों रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न जो रोग होता है हीमोफीलिया होता है, राइट। क्या होता है मित्रों, हीमोफीलिया होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, ये किसने कहा था मित्रों, लैंडस्टीनर का कहना था प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को आप नहीं दे सकते, ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शुद्ध रक्त बहता है, तो मित्रों शुद्ध जो रक्त बहता है फुफ्फुस सिरा में बहता है, राइट। मित्रों अमलगम होता है, तो इसमें से क्या है जो अमलगम है, अमलगम है जैसे उपधातु है, मिश्र धातु है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है, तो ये मित्रों जो अमलगम होता है एक प्रकार का यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है, पोटेशियम धातु मित्रों ऐसी होती है जो ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है मित्रों निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा युगल विस्थापन, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, फेरस सल्फेट है, AgNO3 है। तो मित्रों ऐसा कौन सा युगल है जो विस्थापन AgNO3 है, जो युगल AgNO3 विलयन का, जो कापर AgNO3 विलयन और कापर धातु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, पीतल है, तो मित्रों पीतल क्या होता है, एक प्रकार का मिश्र धातु है पीतल, पीतल कोई धातु नहीं, कई धातुओं को मिक्सर से मिला के बनाया जाता है।